हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो गुरुकुल में आपका स्वागत है। एस्ट्रो गुरुकुल में आज हम सूर्य के दूसरे एपिसोड का अध्ययन करेंगे। पहले सूर्य पार्ट वन में हमने सूर्य के बारे में बात की थी कि सूर्य क्या है, किन किन चीजों का कारक है, कहाँ ये उच्च का है, कहाँ ये नीच का है, कहाँ ये अपनी मूलत्रकों राशि में है, कौन इसके मित्र हैं, कौन दुश्मन है, इसका जनरल प्रभाव क्या होता है। आज हम बात करेंगे जन्मपत्री के डिफरेंट अलग अलग घरों में इसका क्या प्रभाव है। द्वादश भावों में हम पहले घर से चल के बारहवें घर तक जाएंगे। लेकिन एक बात मैं पहले साफ करना चाहता हूं कि जो मैं बोलूंगा ये केवल सूर्य का प्रभाव लगन से लेके दूसरे घर में होता हुआ, द्वितीय घर में होता हुआ, तृतीय घर में होता हुआ, चतुर्थ घर में होता हुआ, पंचम घर में होता हुआ, बारहवें घर तक बताया जाएगा। ये प्रभाव जो मैं बताऊंगा इसके ऊपर सूर्य का किसी राशि विशेष में होने से या सूर्य के ऊपर किसी दूसरे ग्रह की छाया होने से इस प्रभाव में परिवर्तन स्वाभाविक है, हो सकता है और होता भी है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि यदि सूर्य पहली राशि में होगा, मेष राशि में होगा तो क्या होगा, वृषभ राशि में होगा तो क्या होगा, वो अगले एपिसोड में बताया जाएगा। इससे पहले मेरी प्रार्थना है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि आने वाले वीडियो जिस दिन भी अपलोड हो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए चलते हैं आज सूर्य का प्रभाव द्वादश भावों में। सबसे पहले बात करेंगे पहले घर की, जिसको हम लगन बोलते हैं। सूर्य का प्रभाव लगन में क्या होता है? लगन में बैठा हुआ सूर्य जातक को स्वभाव से थोड़ा अशांत बनाता है, जातक को नेतृत्व करने के गुण प्रदान करता है। कदाचित सूर्य का लक्षण है जो जातक को थोड़ा अहंकारी और घमंडी बनाता है, जातक को आत्म केंद्रित भी बनाता है। यहां पर जातक स्वाभिमानी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, चंचल होता है, कृशदेही होता है, उन्नत नासिका वाला होता है, विशाल ललाट वाला होता है, पित्तरोगी होता है, शूरवीर होता है, अस्थिर संपत्ति वाला होता है और अल्पकेशी होता है। अल्पकेशी से मेरा प्रभाव है, व्यक्ति का माथा चौड़ा होता है, चेहरा गोल होता है, क्योंकि सूर्य का लक्षण है ये, और सिर के ऊपर जो बाल हैं वो थोड़े कम होते हैं और वक्त के साथ साथ थोड़े होते जाते हैं। ये है सूर्य का लग्न में प्रभाव। अब बात करते हैं सूर्य का दूसरे घर में होना, कुंडली के दूसरे घर में होना, द्वितीय स्थान पर होना, द्वितीय घर में होना। जातक द्वितीय घर में द्रव्यात्मक स्रोतों से जो प्रबंध होते हैं उनमें सक्षम होता है, बुद्धि का वैज्ञानिक सुझाव
देने में सक्षम होता है, स्व अर्जित धन संपत्ति मुकदमों की उलझने चिड़चिड़ाहट वाला स्वभाव कई बार बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन भी करता है। इसके साथ साथ सूर्य यहां बीमारी के ऊपर खर्चा भी करवाता है। द्वितीय भाव में सूर्य जातक को भाग्यवान बनाता है, संपत्ति बान बनाता है, मुख रोगी झगड़ालू नेत्र रोगी राज भीरू घरेलू जीवन में दुखी और स्त्री के लिए कुटुंबियों से झगड़ा करने वाला जातक बनाता है। अब बात करते हैं सूर्य के तृतीय भाव में होने की। जब सूर्य आपकी कुंडली में तृतीय भाव में तीसरे भाव में विराजमान होता है तो सूर्य जातक को सरकार से सम्मान प्राप्त करने की क्षमता देता है। सूर्य जातक को कवि बनाता है। सूर्य जात को करण रोगी कान का रोगी भी बना सकता है। भाई और संबंधियों के कारण दुखी पराक्रमी प्रतापशाली लब्ध प्रतिष्ठा एवं बलवान होता है। तृतीय भाव में सूर्य व्यक्ति होने के उपरांत सफलता बौद्धिक घमंड अपने सगे संबंधियों से मित्रतापूर्ण ना होना और साहसी भी बनाता है। अब बात करेंगे सूर्य के चतुर्थ स्थान में होने की। चतुर्थ स्थान में सूर्य होने से व्यक्ति सेंटिमेंटल नहीं रहता, हृदयहीन हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, छली हो जाता है, कपटी हो जाता है और रक्तचाप का रोगी हो जाता है। पेट की समस्याएं चौथे घर में सूर्य व्यक्ति को देता है। स्त्री की कुंडली में सूर्य चौथे घर में विवाह के लिए अच्छा नहीं होता। जातक उत्तराधिकार में धन व संपत्ति जरूर पाता है। चौथे घर में सूर्य जातक को परम सुंदर कठोर पितृधन नाशक चिंताग्रस्त भाइयों से वैर करने वाला गुप्त विज्ञा प्रिय एवं वाहन सुख से हीन बनाता है। पंचम घर में सूर्य का होना व्यक्ति को अपने बड़ों के प्रति चिंता देता है और व्यक्ति युक्तिपूर्ण व बौद्धिक नेचर का होता है। पंचम घर में सूर्य जातक को अल्प संतति बनाता है, सदाचारी भी बनाता है लेकिन उसके साथ कुछ रोग भी देता है जिसके कारण जातक दुखी शीतल क्रोधी एवं वंचक होता है। छठे घर में सूर्य अच्छी प्रशासनिक क्षमता वाला होता है, साहसी होता है लेकिन अपने सगे संबंधियों से अच्छे संबंध नहीं बना पाता। कठोर परिश्रम के द्वारा अपनी पहचान बनाता है और षष्ठ भाव में सूर्य जातक को वीर मातुल कष्टकारक तेजस्वी शत्रुनाशक
बलवान श्रीमान निरोगी व न्यायवान बनाता है। सप्तम भाव में सूर्य को जातक चिंतायुक्त राज्य से अपमानित आत्मरत कठोर स्वाभिमानी एवं वैवाहिक जीवन दुखी वाला जातक बनाता है। सप्तम भाव में सूर्य अपने साझीदार को दंड देने का प्रयास करता है, बुरे स्वभाव वाली भार्या मिलती है, महत्वाकांक्षी जीवन साथी मिलता है, असंतोषजनक वैवाहिक जीवन होता है। सूर्य एक क्रूअल प्लैनेट होने के नाते वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य एक क्रूअल प्लैनेट के होने के नाते पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी यहाँ अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए सूर्य का सातवें घर में होना अच्छा नहीं होता। अष्टम सूर्य, जब आपकी कुंडली में सूर्य आठवें घर में होता है तो वो व्यक्ति को जातक को पतला दुबला शरीर वाला बनाता है, रोगी जैसा बनाता है, आंखों की दृष्टि में खराबी देता है, घटना शून्य जीवन, गूढ़ विज्ञा का शौक, तीव्र लैंगिक और भावनात्मक संबंध बनाने में व्यक्ति का साथ देता है, व्यक्ति की आयु में कमी देता है। स्त्री को स्त्री की कुंडली में महिलाओं की कुंडली में बहुत लोगों का मानना है कि ये विधवापन का योग है। यदि विधवा योग 45 ना हो तो ये महिला के हस्बैंड को उसके पति को बहुत से दुख देता है। लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि किसी लड़की के आठवें घर में सूर्य देखने से घबराना नहीं है। बहुत सी बातें जो आप आगे जाके सीखोगे, उसके साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो कौन सी राशि में बैठा है, उसको कौन सा प्लैनेट देख रहा है, ये सब बातें इन सारी अवगुणों को काट देती हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है जब तक आपको पूरी तरह ज्योतिष ना आ जाए। अष्टम भाव में सूर्य जातक को धैर्यहीन बनाता है, निर्बुद्धि बनाता है, क्रोधी बनाता है, चिंतायुक्त बनाता है, पित्त का रोगी भी बनाता है। फिर वही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बुरी बातें ज्यादा हैं इसमें, लेकिन ऑल दीज थिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज विद द एस्पेक्ट ऑफ सम गुड प्लैनेट और विद द पोजीशन ऑफ गुड राशि इन द एट्थ हाउस। अब बात करते हैं सूर्य को नवम घर की। नवम भाव में सूर्य जातक को साहसी, ज्योतिषी, नेता, सदाचारी, तपस्वी, योगी, वाहन सुख, भृत्य सुख एवं पिता के लिए सूर्य का नवम घर में होना अशुभ माना जाता है। नवम घर में सूर्य बड़ों के प्रति चिंता रखता है और धार्मिक स्वभाव का और बुद्धि का होता है। दशम भाव में सूर्य सर्वाधिक मेहनत न्यूनतम लाभ ज़्यादा मेहनत करवाता है, लाभ कम देता है, कठिन कार्य या प्रयास के उपरांत सफलता देता है और सीखने की बौद्धिक इच्छा देता है। शासन का प्रिय धनाढ्य प्रसन्नता युक्त आज्ञाकारी पुत्र जीवन में नाम यश कीर्ति
कमाने वाला होता है। दशम घर में सूर्य जातक को प्रतापी, व्यवसाय कुशल, राजमान्य, लब्ध प्रतिष्ठा, राजमंत्री, उदार, ऐश्वर्य संपन्न एवं लोकमान्य बनाता है। सूर्य ग्यारहवें भाव में, ग्यारहवें भाव में सूर्य जातक को अध्यात्म की ओर ले जाता है। बौद्धिक उपलब्धियों के लिए सूर्य का इस स्थान में होना अति हितकारी नहीं होता, परंतु आत्म ज्ञान और मोक्ष की दृष्टि से यह उत्तम होता है। यदि ऐसा जातक प्रकृति ईश्वर की ओर लगा ले तो उसे आत्म सुख की प्राप्ति होती है। एकादश में सूर्य कई दोषों को दूर करता है और व्यक्ति को हौसला देता है। द्वादश भाव में सूर्य पिता से दूरी देता है, आंखों की दृष्टि को प्रभावित करता है, धन संपत्ति के लिए भी अच्छा नहीं रहता। बारहवें घर में सूर्य वाला व्यक्ति अन्य के अधीन कार्य करने की क्षमता, शक्तिशाली गुप्त शत्रु वाला होता है। बारहवें भाव में सूर्य हो तो जातक आध्यात्मिक होता है। भौतिक उपलब्धियों के लिए सूर्य का स्थान में होना हितकारी नहीं होता, परंतु आत्मज्ञान और मोक्ष के दृष्टिकोण से ये उत्तम स्थान है। यदि ऐसे जातक की प्रवृत्ति ईश्वर की ओर हो तो उसे आत्म सुख की प्राप्ति होती है। ये था सूर्य का द्वादश भावों में आपकी कुंडली में होना। आपकी कुंडली में, आपकी हॉरोस्कोप में सूर्य जरूर किसी ना किसी घर में बैठा होता है। मैंने यहाँ आपको सूर्य का अलग अलग भावों में होने का दर्शन करवाया है, जो जिस राशि में बैठा है और जो प्लैनेट उसके साथ बैठा है या उसको देख रहा है, इसके द्वारा इसमें चेंज हो सकती है, इसके प्रभाव में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जो आपको आने वाली वीडियो में बताए जाएंगे। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप तक समय पे पहुँचते रहें। थैंक यू वेरी मच।